नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव कॉमरेड सरोज बादल जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जो किसान आंदोलन जीता है लंबे संघर्ष के बाद, आगे क्या प्रेरणा मिलेगी इससे और आगे क्या क्या चुनौतियों का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ये कि ये किसान आंदोलन जितना ऐतिहासिक था, जिस जो मिसाल इसने कायम की है पूरी दुनिया भर में, उसी तरीके की इसकी जीत भी है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने आप को ब्रह्मा मानते हैं और वो ये मानते हैं कि एक बार वो फैसला ले लेते हैं, उस फैसले से वापस होने के लिए तैयार नहीं होते। अहंकार बहुत है उनमें। शास्त्रों में हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा अहंकारी रावण था, लेकिन ये रावण के भी आगे वाले हैं। उस अहंकार को किसान ने तोड़ा है और उन्हें वो तीनों कानून वापस लेने पड़े हैं, जिन तीनों कानूनों को वो बिना किसी से पूछे हुए इस देश पे थोपने वाले थे। उस पर बहुत बहस हो गई है कि वो किस तरीके से खेती किसानी को बर्बाद करते हैं। लेकिन दूसरी बात जो आमतौर से नोट नहीं की जा रही है कि दुनिया में ये एक बड़ी कामयाबी है। 1991 से नवोदारीकरण की नीतियाँ आईं, उसमें पहले उन्होंने कारखाने, फिर बैंकें, फिर दूसरी चीज़ों पर कब्जे किए, फिर प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे किए। पिछले 10-15 साल से दुनिया की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, जो साम्राज्यवादी देश हैं, वो तीसरी दुनिया के ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने WTO के जरिए, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स के जरिए, दुनिया की ज़मीन पर कब्जा कराने के लिए अपने तरीके के कानून बनवाए। ये कानून वो कानून थे। दुनिया में कई जगह लोग लड़े इसके खिलाफ, लेकिन उसका मुकाबला नहीं कर पाए। भारत के किसान ने उनको वापस कराने में कामयाबी हासिल की है। इसलिए ये दोनों तरीके से महत्वपूर्ण है। इसने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है और भारत की जनता का आत्मबल बढ़ाया। दूसरी बात जो आपने पूछी कि इसका असर क्या होगा, इसका असर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इसने एक जो गलत प्रचार था, उस गलत प्रचार को तोड़ दिया कि एक बार जो सरकार कर लेती है फिर उसको वापस नहीं लेती है। इन्होंने उसको तोड़ दिया, नहीं, अगर हम लड़ेंगे तो वापस ले सकते हैं, वापस करने के लिए विवश कर सकते हैं। और हमारी लड़ाई अगर एकजुट तरीके से होगी, हम सारे लोग इकट्ठे होंगे, तो हमारी लड़ाई कामयाब होगी। तो इसने जनता का आत्मबल बढ़ाया है, लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ाया है, संघर्ष के प्रति चेतना बढ़ाई। आने वाले दिनों में इसका असर दिखने वाला है मजदूर आंदोलन पर भी। ये जो 4 लेबर कोड के खिलाफ लड़ाई है, जिसके लिए 23-24 फरवरी को हड़ताल होने वाली है, किसानों ने उसके समर्थन करने की घोषणा की है। उस दिन हम ग्रामीण हड़ताल भी करेंगे दोनों दिन, लेकिन 4 लेबर कोड की लड़ाई भी उसी तरीके से जीती जा सकती है जिस तरीके से 3 कृषि कानूनों की लड़ाई लड़ी है। उसी तरीके से मैं यहाँ सर्व कर्मचारी संघ के साथियों के साथ था, तो उनकी चिंता का विषय ये था कि ये NPS जो है, न्यू पेंशन स्कीम जो है, उस न्यू पेंशन स्कीम की वजह से कर्मचारियों की जो पेंशन खत्म हो गई है, अब ये समय आ गया है जब रिटायर्ड और नौकरीशुदा सारे कर्मचारियों को मिलकर उस पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू करने के लिए लड़ना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा। बैंकों का भी निजीकरण सरकार करना चाहती है। बहुत खुशी की बात है कि पिछले 2 दिन से लगातार बैंक कर्मचारी एकदम 100% हड़ताल है। सरकार बैंकों का निजीकरण करने के जरिए जो जनता की दौलत है, जनता की जो संपदा है, उसको ऐसे ठगों के हाथ में सौंपना चाहती है जिन्होंने खुद बैंकों से पैसे निकालकर घोटाले किए। आज अगर कुछ बैंकें घाटे में चल रही हैं तो अंबानी की वजह से, अडानी की वजह से, डिफॉल्टर की वजह से चल रही हैं। ये उन्हीं के हाथ में इन बैंकों को सौंप देना चाहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें नहीं थीं। उस वक्त जितनी भी बैंकें थीं, प्राइवेट बैंकें थीं, वो लूटी हैं, बर्बाद हुई हैं। इस देश में 2 नोबल पुरस्कार आए थे 1947 के पहले। एक CV रमन साहब का आया था, एक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहब का आया था। दोनों ने जिस बैंक में पैसा जमा कराया था, जिस बीमा कंपनी में पैसा जमा करा था, वो डूब गई थी। मतलब 2 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की राशि डूब गई थी। ऐसी हालत थी इस देश के अंदर। अब दोबारा से इस तरीके की निजी बैंकों को अगर वो लाएंगे या इन्हीं बैंकों का निजीकरण करेंगे तो लोगों की पैसा डूबेगा। इसको कभी नहीं होने देना। और ये केवल बैंक कर्मचारियों का सवाल नहीं है, ये हम सब का भी सवाल है, किसानों का, नागरिकों का, कि बैंकें बचनी चाहिए। हम लोग उनके साथ हैं। तो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सम्मेलन में आए हो, क्या संदेश देना चाहोगे आप ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को, देश के तमाम तरह के सफाई कर्मचारियों को? देखिए, हरियाणा की CITU ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने समाज के उस तबके को संगठित किया है जो मेहनत के नाम पर भी जिसका शोषण बहुत हो रहा है, और सामाजिक उत्पीड़न के नाम पर भी जिसका शोषण बहुत हो रहा है, जो दोनों तरीके के पहिए से कुचला जा रहा है।
ये एक बड़ा काम है और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर एक ऐसे तबके के साथ मिलकर जो शोषण के खिलाफ लड़ रहा है। और ये जानकारी मुझे मिली कि SEIT के नेतृत्व में जब से सफाई कर्मचारी यूनियन बनी है तब से काफ़ी कामयाबी हासिल की है। उनकी मांग भी है कि 24,000 का न्यूनतम वेतन होना चाहिए, नौकरी रेगुलर होनी चाहिए, जो सर्विस कंडीशंस बाकी परमानेंट कर्मचारियों के लिए वो उनके लिए भी लागू करनी चाहिए। मुझे विश्वास है जैसा सम्मेलन में उपस्थिति और उस उपस्थिति के जोश को देखते हुए लग रहा है कि ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा और ये पूरे देश के सफाई कर्मचारियों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। लेकिन हम तीन बातें कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि जब इतना दुनिया में विकास हो गया है तो इन सफाई कर्मचारियों के लिए जो ज़रूरी काम है उनकी सफाई में आते हैं, उनको कपड़े मिलने चाहिए, ड्रेस मिलनी चाहिए, गमबूट मिलने चाहिए, दस्ताने मिलने चाहिए, मास्क मिलना चाहिए, उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उनको छुट्टियाँ वुट्टियाँ मिलनी चाहिए, तो उनके पेशागत जो समस्या है उन समस्याओं के बारे में सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। नंबर एक बात तो ये कहना चाहते हैं। और दूसरा ये कि इनका वेतन जो 1948 में तय हुआ था, जो 5 आधार तय हुए थे, उन 5 आधार के हिसाब से गिनती करके मिलना चाहिए। हमें उम्मीद है कि CIT की हमारी जो यूनियन है वो इन दोनों चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेगी। धन्यवाद आपका, शुक्रिया बहुत। तो कॉमरेड बादल सरोज ने बताया कि किस तरह से किसान आंदोलन किसानों ने लगातार एक साल लंबे संघर्ष के बाद जीता और किस तरह से आगे इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। सफाई कर्मचारियों के बारे में बताया कि क्या कुछ करना चाहते सफाई कर्मचारियों के यूनियन और क्या कुछ रणनीति रहेगी। तो आप देखते रहिए जनक्रांति न्यूज़।